नमः इसमें सारा स्वानि भूत्वाच कांसिते चिश्वावाय भावाय श्रीभावं तरच्छिते अनंत धर्मणे स्तुत्वं पश्चिन्द प्रग आत्मनः अनेकांतिमयी मूर्तिम नित्यमे प्रकाशतां रमोरिहंताडुं रमो सिद्धाडुं रमो आयिर्याडुं रमो उज्जायाडुं रमो लोईशुविसाडुं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचर भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचर भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचर भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज आचर विराग सागर जी महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की अमृत कलश में वर्णित प्रमेयों पर शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्म त्रिमुनि नाम का ग्रंथ लिखा जिसमें आचार्य भगवान जिस शक्ति की व्याख्या कर रहे हैं दृश्यमान को जो दिखाई दे रहा है उस पर लक्ष्य जिनका है वो पौद्गलिक दृष्टि है। जो दृश्यमान नहीं है वो चैतन्य है, वही सबका भेदन कर रहा है। वेद्य वेदक भाव पुद्गल में नहीं है, वेद्य वेदक भाव चेतन में है। समझ आ रहा क्या? वेद्य वेदक भाव पुद्गल में नहीं है, वेद्य वेदक भाव चेतन में है। जो वेद्य वेदक भाव से युक्त है वही जीव द्रव्य है। मैं जीव जीवों से भिन्न, मैं जीव अजीवों से भिन्न इतना नहीं है। मैं जीव अजीवों से भिन्न इतना ही नहीं, मैं जीव जीवों से भी भिन्न, ये सिद्धांत समझने की आवश्यकता है। पुद्गल से भिन्न, पर वस्तुओं से भिन्न, धर्म द्रव्य से भिन्न, अधर्म द्रव्य से भिन्न, आकाश से भिन्न, काल से भिन्न, ये भिन्नत्व तुम कई बार सुन चुके हो। मैं जीव भिन्न जीवों से भिन्न, मेरा शरीर अलग है, मेरे पिता और मेरी आत्मा एक ही है, अज्ञानी का कथन। मेरा शरीर भिन्न है, मेरी गुरु की आत्मा एक है, शुद्ध पागल आदमी। मेरा शरीर भिन्न है, भगवान और मेरी आत्मा एक ही है, घोर पापी। अब समझो ध्यान से, भगवान और मैं इतने ही भिन्न हूं जितना पेंसिल हमसे भिन्न है।
मैं स्वयं भगवान बनने के लिए साधु बना हूं, भगवान में मिलने के लिए साधु नहीं बना हूं, भगवान में मिलने के लिए साधु नहीं बना हूं, भगवान से मिलने के लिए भी साधु नहीं बना हूं। मैं श्रद्धा श्रद्धे समझ से दर्शन करता हूं प्रभु का, लेकिन हे प्रभु आप और मैं इतने भिन्न हैं जैसे अन्य जड़ हमसे भिन्न है। चेतन चेतन तुम्हें एकत्व है, चेतन चेतन में एकत्व है। भैया संभल के सुनना, चीटी हाथी दो जीव हैं, वनस्पति जीव है। चीटी में हाथी में जीवत्व तो एक सदृश है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा आत्मत्व दृश्य सदृश है, सदृश सदृश तुम्हें एकत्व खोजना अज्ञानता। सदृश सदृश में सद्रता ही खोजना चाहिए। ओ पोपट साहब की पेंसिल कहाँ है? ये भी पेंसिल है बराबर। पेंसिल पेंसिल में सदृशता है, परंतु दोनों पेंसिल में एकत्व एकत्व नहीं है बराबर। ये पेंसिल भिन्न है, वो पेंसिल भिन्न है। तो यहां हमें समझना ये है, सादृश अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व अब समझ में आएगा आप सबको। कल विषय हुआ नहीं, दूसरे विषय में चले गए। आज आपको समझना है कि हम समयसार क्या सुन रहे हैं। सादृश अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व, सादृश अस्तित्व मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य हो, ये सभी मनुष्य हैं। मनुष्यत्व मनुष्यत्व की दृष्टि से एकत्व है, सादृश है ठीक। और जीवत्व जीवत्व से एक इंद्रिय से लेकर के सिद्धों तक एकत्व है, निगोदिया से लेकर के सिद्धोत्तम में जीवत्व एकत्व है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से मैं भिन्न हूं आप भिन्न हो। जैसे पुणे आइए, नीम वृक्ष है, आम वृक्ष है, सागुन वृक्ष है, शीशम वृक्ष है। वृक्षत्व वृक्षत्व की दृष्टि से एकत्व है, वृक्षत्व वृक्षत्व की दृष्टि से एकत्व है, लेकिन लेकिन सागर भैया वो भैया को आम चाहिए तो नीम के वृक्ष के नीचे जाएगा ना, विसदृश्य। सभी आमों में स्वरूप एकत्व हो गया तो फिर कोई दूसरा फल नहीं बचेगा, सब आम हो जाएंगे। इसलिए वृक्षत्व वृक्षत्व से एकत्व है लेकिन सादृश्य है, लेकिन स्वरूप अपेक्षा से भिन्नत्व है। आम्र भिन्न है, नीम्र भिन्न है, जामुन भिन्न है, शीशम भिन्न है, अंगूर भिन्न है, दाड़िम भिन्न है, सब भिन्न भिन्न भिन्न, भिन्नत्व तो नहीं होगा तो वस्तु के लक्षण का बोध नहीं होगा। हम मनुष्य हैं, मनुष्यत्व मनुष्यत्व के दृष्टि भी मनुष्य है। मुनि महाराज, ब्रह्मचारी, चुल्लक जी, एलक जी, आर्का माता, ब्रह्मचारिणी, छुल्लिका, श्रावक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, भिन्नत्व है, भिन्नत्व है। भिन्नत्व नहीं होगा, भिन्नत्व नहीं होगा तो विभिचार हो जाएगा।
स्वभाव में भिन्नत्व, स्वभाव में भिन्नत्व, लक्षण में भिन्नत्व। पुद्गल 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 इतना कहने से काम नहीं चलेगा। सुचिता हिमान मधुबन भाई, आम्रफल पुद्गल है, जामुन पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है, ये पेंसिल पुद्गल है। ठहरिए, एकत्व की व्याख्या करो तो भिन्नत्व की व्याख्या कर देना चाहिए। जितने विद्वान हैं, एकत्व की व्याख्या करो, भिन्नत्व की व्याख्या कर देना चाहिए आपको। यदि भिन्नत्व की व्याख्या नहीं की, आप अनर्थ कर दोगे। इसलिए इस गद्दी पे आने के पहले अस्थि का ज्ञान है तो नास्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। वो अस्थि का ज्ञान है, नास्ति ज्ञान है, तो अस्थि नास्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। अस्थि नास्ति ज्ञान है, अवाच्य का भी ज्ञान होना चाहिए। अवाच्य का ज्ञान है, अस्थि अवाच्य का भी ज्ञान होना चाहिए। अस्थि अवाच्य का ज्ञान है, नास्ति अवाच्य का भी ज्ञान होना चाहिए। अस्थि नास्ति अवाच्य का ज्ञान है तो अस्थि नास्ति अवाच्य का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे पुनः प्रश्न, पुद्गल पुद्गल है, ठीक, मैं बहुत खुश हूँ इतना कठिन विषय आप लोग इतनी शांति सुन रहे हो। पुद्गल है, ठीक, पुद्गल है, ठीक, कोई फल रखा इधर, नरियल है, पंडित जी दिखाना, मुझे नहीं चाहिए, ये फल रखा है यहाँ पर, ये पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल है। ठहरिए, गाय का गोबर पुद्गल है, पुद्गल है, पुरुष का मल पुद्गल है, पुद्गल है, मित्र पुद्गल होने पर भी भिन्नत्व तो देखिए, अन्यथा तुमको भूख लगी, सागर क्या खा रहे हो, गुरुजी पुद्गल, गुरुजी पुद्गल, ये तू पुद्गल खा रहा, तो मित्र सुन, ये गोबर रखा है, खाएगा क्या, नहीं खाएगा। तो सेव फल में, अनार के फल में, गोबर में भिन्नत्व है कि नहीं है? गोबर खाया जा सकता है क्या आपके लिए? नहीं खा सकते हो ना। तो ऐसे ही कोई अज्ञानी ये कहे, ओहो अहिंसको, ओहो जैनियो, तुम सेव फल खाते हो, वो भी पुद्गल है, तो हम मांस खाते हैं, वो भी पुद्गल है। अरे ज्ञानी, वो सेव फल अलग है, वो मांस अलग है, अनुन्न भाव है, भिन्नत्व भाव है, एकत्व होने पर भी भिन्नत्व है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। संबंध में आइए, भैया जय सिंहपुर, आपकी मां स्त्री है कि नहीं, बेटी स्त्री है कि नहीं, पत्नी स्त्री है कि नहीं, बहन स्त्री है कि नहीं, है स्त्री, स्त्री की अपेक्षा से स्त्री तो एकत्व है। लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से मित्र, आप पुत्र को जन्म मां से नहीं दे सकते हो, संबंध भिन्न है। उन सभी स्त्रियां ही तो हैं, तो सबको पत्नी बना लेगा क्या भाई? इसलिए संबंध भिन्नत्व देखिए, पुत्री पुत्री है, स्त्री नहीं है तुम्हारी, बहन बहन है, स्त्री नहीं तुम्हारी, माँ माँ है, स्त्री नहीं तुम्हारी, मात्र तुम्हारे सासू की बेटी ही तुम्हारी पत्नी है।
संबंध में भिन्नत्व। इसलिए स्याद्वाद को समझने के लिए प्रज्ञा को तीक्ष्ण करना पड़ेगा। जो लोग देश में नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें स्याद्वाद का कठोर ज्ञान होना चाहिए और भिन्न भिन्न दृष्टि का बोध होना चाहिए। आप नेतागिरी में उतर गए, हम सबको एक देखना चाहते हैं, तुम एक देखो किस दृष्टि से, देश की प्रजा के नाते सबको एक देखो, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, अन्यथा जाति संकर हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा। हम देश को एक देखना चाहते हैं। मित्र, तुम देश को किस दृष्टि से देखना चाहते हो? सारे धर्मों का नाश करना चाहते क्या? वो तुम्हारे एक देखने से तुम एक हो जाओगे क्या? तुम स्वयं एक नहीं हो, तुम देश को एक कर ही नहीं सकते हो। अपने देह को एक करके दिखाइए पहले। अंगुली अंगुली नाक हो जाए, नाक अंगुली हो जाए, आंख कान हो जाए, कान आंख हो जाए, सारे अंग एक हो जाए, तब तुम देश को एक कर पाओगे। ये कभी संभव? कहीं एक हो गए तो वस्तु व्यवस्था बनेगी क्या? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हम देश को एक देखना चाहते, इसका अभिप्राय समझिए, हम सभी समाजों में मैत्री भाव देखना चाहते, ऐसा बोलिए। हम देश को एक देखना चाहते हैं, हम सब भारतीय हैं, इस दृष्टि से तुम एक हो, लेकिन किसी धर्म का नाश करने के लिए तुम एक नहीं हो। राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, परंतु धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। पहले समझिए, पहले समझिए। जिस कुल में मांस खाया जाता है वो कहे मैं देश को एक देखना चाहता हूं, तो हर थाली मांस परोसेगा क्या? कैसे एक हो सकते हैं? एक होना चाहते हो, अहिंसा का पालन करो, सब मांस का त्याग करो, सब शुद्ध भोजन करो। आप शासन चलाना चाहते हो तब भी तुमको जिन शासन की पढ़ाई करना पड़ेगी। बेटियों, खास करके आप लोगों से कह रहा हूं, बालको, एकता की परिभाषा समझना। तुम सब जीव एकत्व हो, किसी की हत्या नहीं करना, पर ऐसे एकत्व नहीं हो कि तुम जैन कुल छोड़ किसी कुल में जाके शादी करके आ जाओ, ये एकता नहीं चलेगी। ओहो, सत धर्म बराबर है, ये अज्ञानी बोल सकता है, जो ज्ञानी होगा कभी नहीं बोलेगा। पुणे आइए, 35वां कलश ध्यान दीजिए। सत धर्म बराबर है ये आपने कैसे कह दिया? ठहरो, वैद्य जी आए क्या? डॉक्टर साहब, हरड़ औषधि है, बहेड़ा औषधि है, आंवला औषधि है, तीनों का मिलाप त्रिफला चूर्ण बनता है, बराबर। लेकिन डॉक्टर साहब, हरड़ का धर्म स्वतंत्र है, बहेड़े का धर्म स्वतंत्र है, आंवले का धर्म स्वतंत्र है। यदि आपने सब धर्म एक है ऐसा बोल दिया, औषध धर्म नष्ट हो जाएंगे। औषध धर्म नष्ट हो जाएंगे। सब धर्म एक है, धर्मत्व धर्मत्व में एकत्व हो सकता है, सद्धर्म एक नहीं हो सकते हैं। वस्तु स्वभाव में एकत्व देखिए आप, पर वस्तु वस्तु में भिन्नत्व है।
सबका स्वभाव एकत्व है, स्वभाव स्वभाव अपेक्षा, पर स्वभाव का स्वरूप देखोगे तो भिन्नत्व है। दूध है, दही है, मक्खन है, घृत है, गोरस गोरस अपेक्षा एकत्व है, पर घी का धर्म भिन्न हो चुका है, मक्खन का धर्म भिन्न है, दुग्ध का धर्म भिन्न है और दधी का धर्म भिन्न है, एकत्व नहीं हो सकता है। दूध के स्थान पर दही का प्रयोग नहीं हो सकता। जीवन भर वैद्य जी दूध पियो मरोगे नहीं जल्दी, जीवन भर दूध पियो सीमित मरोगे नहीं जल्दी, और जीवन भर तुमने दही पूरी खाओ जल्दी शमशान जाओ। ये डॉक्टर बैठा हमारे सामने, बोलो ईमानदारी से, कोई से शत्रुता निभाना है तो बड़े प्रेम से आपको मार दोगे उसको, तो वैद्य है उसको सब मालूम है। व्यक्ति को 6 महीने लगातार कोई भोजन मत दो, माँ दही पूरी खिलाओगी आप, अन्य कोई भोजन देना ही मत, माँ तो क्या देना, दही देना और पूरी देना एक साथ, और दही पूरी खाएगा वह समय के पहलू पर चला जाएगा। ओह बात बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, रोग बढ़ेंगे। जो दधी होता ना मार्बल पर डालो लगातार, वो मार्बल छेद छेद हो जाएंगे, मार्बल की छेद हो जाते, छेद प्रतिमाएं विकृत हो जाती है मार्बल की। ओहो पत्थर कट देता है, जो दही पत्थर को काट देता है तुम्हारा तो शरीर है। डॉक्टर साहब बराबर, अब मेरे से मुझ पूछना आयुर्वेद पढ़े हो क्या, लेकिन अम्ल तत्व है दही, अम्ल तत्व है दही और मधुर तत्व है दुग्ध, एक ही गोरस की प्रिया बदल गई, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। मुमुक्षु मधुबन, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। अभी समझ में आता आपको, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। मां आपके घर में एक बाल्टी दुग्ध रखा हुआ था, ठीक है, एक बाल्टी दूध रखा था, ठीक है, उसमें आपने जामुन डाल दिया, दही बनने में कितने समय लगेगा, बोलो बोलो, कोई ज्ञानी नहीं बैठे इस सभा में क्या, दही बनने में कितने समय लगेगा, चलो आपके 10 घंटे सही, ठीक 10 घंटा मान लिया हमने, ध्यान दो मेरी तरफ देखो, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। 10 घंटे पूर्व एक बाल्टी दूध रखा था, इन्होंने जामन दे दिया है, 10 घंटे बाद सागर भैया, भैया का क्या नाम है, जिनेश्वर भाई, क्या कर रहा है बैठा बैठा जिनेश्वर, ओहो अब जिनेश्वर भैया पहुंचे, मुझे मालूम चला है कि आपके घर में एक बाल्टी दूध है, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, हमको 1 लीटर दूध चाहिए है, जिससे मांगा वो कहता मेरे घर में दूध नहीं है। बोले क्यों, 10 घंटे पूर्व दूध था,
दस घंटे पूर्व दूध था, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। उसमें हमने जामुन डाल दिया तो दूध वस्तु समाप्त हो गई, दूध अवस्तु हो गया है, दही दे सकता हूं। ठहरिए ठहरिए, किसी घर में पांच बेटे थे, सुन बेटा, किसी घर में पांच बेटे थे वीर। एक बेटे ने दीक्षा ले ली है, उसकी माँ से किसी ने पूछा, भाई तुम्हारे पांच बेटे हैं, मुझे काम है। बोले भाई अब बेटा नहीं है। बोले क्या है? वो दिगंबर साधु बन गया है। बेटा पना अवस्तु हो गया है, साधु हो गया, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। अब अप्पा साहब नाम के प्रोफेसर साहब ये मुझे सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पर मैं भी समझ रहा हूँ। वे सुनते हैं ना तो कई बार ये सोचते हैं, हम कॉलेज में हैं, कोई प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा हूँ कि कोई जैन मुनि से प्रवचन सुन रहा हूँ। पर सत्य है, जितनी जगत की विद्याएं हैं इसके बाहर कोई भी नहीं है। मधुर तत्व अम्ल तत्व हो गया, मधुर तत्व अम्ल तत्व हो गया, किससे? प्रक्रिया की बदलने से वस्तु अवस्तु हो गई, मधुर तत्व अम्ल हो गया। ऐसे ही मित्र अब ये अप्पा साहेब है ना, ये ज्ञानी दिगंबर मुनि हो जाए। अभी किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, यदि मुनि हो जाता है तो कुछ नहीं बचता है, दिगंबर मुनिराज हैं। प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु की, पति पना समाप्त, पुत्र पना समाप्त, भाई पना समाप्त, ये हमारे श्रद्धे गुरु महाराज हो गए। जब वर्तमान में ही प्रक्रिया से संबंध बदल जाता है, समग्र तनात्र से पूर्ण होता है जीव, तो मुनि संज्ञा भी समाप्त होकर के अर्यंत संज्ञा प्रकट हो जाती है। वो मुनि होंगे तो स्नातक मुनि होंगे, और घाती घाती दोनों कर्मों का छेद कर दिया, अरंत समाप्त हो गए, सिद्ध भगवान हो गए। आत्मा को समझना है, हम पुद्गल को लेके आते हैं। पुद्गल को समझना है, हम आत्मा को लेके आते हैं। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है दिनेश्वर भैया, मित्र समझ, आप सोच सकते हो कि स्वामी जैन मुनि बनने के लिए, जैन मुनि बनने के लिए, जैन मुनि बना रहने के लिए कितना गंभीर ज्ञान चाहिए। ये सारे प्रेमियों का ज्ञान होना चाहिए। प्रमाता क्या है, प्रमिति क्या है, प्रमेय क्या है, चूंकि आप गणित भी जानते हो, चूंकि आप गणित भी जानते हो पीयूष, चूंकि तीन बिंदु, चूंकि गणित सार महावीर आचार्य स्वामी का ग्रंथ है, लिख लेना भैया ग्रंथ का नाम, गणित सार, गणित सार आचार्य महावीर आचार्य स्वामी का ग्रंथ है, जैन दिगंबर आचार्य। उज्जैन में कुंभ का मेला लगा हुआ था मध्य प्रदेश में, और अवधेशानंद के
मंडप में सबसे बड़ा बैनर मुरझाज संलेखना चल रही है और महावीर आचार्य का गणेश सार का तस्वीर फोटो लगा हुआ था। जितने तुम छात्र छात्राएं हो, कॉलेज का दिन भी गंभीर करना चाहिए और वहां पर जैन दर्शन की दृष्टि भी आपको रखना चाहिए। आप सोचते कि मंदिर में बैठ के जो चर्चा चल रही है इतनी जैन धर्म है, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में भी विश्व में जैन दर्शन की पढ़ाई चल रही है, आज की तारीख में चल रही है। आप अपना जाति धर्म मान के पढ़ते हो, उसके अंदर विज्ञान तत्व को खोज रहा है। दूध दे पाएंगे क्या 10 घंटे बाद? नहीं दे पाएंगे ना। जब दूध बदल सकता है तो पूत भी बदल सकता है। पूत समझते हैं आप? पूत मतलब बेटा, पुत्र। बदल सकता है। और 2 घंटे रुकी और दही भी नहीं मिलेगा, छाछ मिलेगी। और थोड़ा रुकिए, उसके अंदर और कुछ मिलेगा, मक्खन मिलेगा। और रुकिए 1/2 घंटा, मक्खन भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? तूप मिलेगा, घृत मिलेगा। बराबर, घृत मिलेगा। फिर भी वस्तु का विनाश नहीं होता है। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, असत का जन्म नहीं होता है, सत का विनाश नहीं होता है। असत का जन्म नहीं होता है, सत का विनाश नहीं होता है। वस्तु का वस्तुत्व त्रिकालिक है, त्रिकालिक है। इसे जो जान रहा है, जो पहचान रहा है, एक मां घर में बैठी वैज्ञानिक ग्वालिन गुपका वैज्ञानिक, एक बाल्टी दूध बिगड़ गया, बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? बिगड़ गया। एक बाल्टी दूध भैया मधुबन कितनी कीमत? 1000 रुपये। चलो बस बैठ जाओ भैया, 1000 रुपये। और देखते देखते उसने एक बाल्टी दूध को बिगाड़ दिया। तो रोना चाहिए उस माँ को? रोना चाहिए माँ को? नहीं रो रही है, मुस्कुरा रही है। जिसे दूध पीना है वो रोएगा, सुनिए ना, जिसे दूध पीना है वो रोएगा। जैसे सागर को भी मैं मुनि बना दूं तो उनकी पत्नी रोएगी, क्योंकि उसको भूख भोगना है। जिसको दूध पीना है वो रोएगा, पर जो घी देख रहा है, दही बनने से ही घृत निकलेगा, वो रोएगा नहीं। उसने माने बुद्धिपूर्वक जामन डाला है उसमें, एक बाल्टी दूध बिगाड़ा है उसने, पर जो दूध पीने चाहता है उसकी दृष्टि से दूध बिगड़ रहा है, पर जिसको मक्खन और घृत चाहिए उसकी दृष्टि से वस्तु बन रही है, बन रही है, आ बन रही है। जिसे मोक्ष चाहिए वो मुनि बन के बनने जा रहा है, जिसे संसार चाहिए वो गुस्सा घर बिगड़ रहा है। मित्र समझ वीर, त्रिशला को सिद्धार्थ को घर बिगड़ते दिख रहा है, वैशाली का वैभव बिगड़ते दिख रहा है, वर्धमान को सिद्ध पर्याय दिख रही है।
सत्य है। ऐसा रासायनिक ज्ञान, ऐसा तात्विक निर्णय जब ये मुराज करते अंदर ही अंदर, तो मित्र हर परिस्थिति में वो अपने आप को मुस्कुराते देखते हैं। दूध की दशा देखो बेचारे की, ओहो दूध की दशा देखो बेचारे की, कितने प्रेम से निकाला, नीचे जमीन में मूत्र पड़ा था, गोबर पड़ा था, वहाँ बैठ के निकाल रहा था, ओहो निकाल के लाए, तुमने छान दिया, छानने के बाद फिर तपाने रख दिया, दूध के देखो बेचारा तप रहा है, फिर तुम्हें शांति नहीं मिली, फिर तुमने मटके में भर दिया फिर भी शांति नहीं मिली, जामुन डाल दिया खट्टा, ओहो हो हो तब भी शांति नहीं मिली, फिर मथानी लेकर रई लेकर के बांध दिया तब भी तुम्हें शांति नहीं मिली। ओ मित्र, पर दूध कह रहा था, दूध कह रहा था, गोरस बोल रहा था, घृत बनना है, यहाँ से निकलना पड़ेगा, घृत बनना है यहाँ से निकलना पड़ेगा, घृत बनना है यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओ मित्र, मक्खन भी आ गया फिर भी माँ को शांति नहीं मिली, फिर तपाने रख दिया, फिर उसके अंदर से मरी निकल गई, अब शुद्ध गोपर गोरस पर्याप्त प्रकट हो गई। ऐसे ज्ञानी मुनिराज बन गए, यहाँ भी उपसर्ग सहन करना पड़ते हैं, परिसर सहन करना पड़ते हैं, शीत उष्णता को सहन करना पड़ता है, मच्छर भी काट जाते हैं, कभी सांप भी डस सकता है, शेर भी भक्षण कर सकता है, ये सब कुछ होता रहेगा, फिर भी जैसे दूध तप रहा है आत्मा तपती रहेगी, वो जब तप जाएगी, एक बार घी बन जाए फिर कभी मक्खन नहीं बनेगा, कभी मट्ठा नहीं बनेगा, फिर दूध नहीं बनेगा, एक बार सिद्ध बन जाए फिर कभी संसार में नहीं आएगा। कहाँ पाए जी, परमा पद पाए जी, मोच पद पाए जी, तो फिर यही प्रक्रिया करना पड़ेगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, ये प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी प्रयोगशाला है, परमात्मा बनने की प्रयोगशाला, दिगंत संग रत्नात्रेय धर्म प्रयोगशाला, यहां से निकले बिना परमात्मा नहीं बन सकते। स्वीकार करना पड़ेगा आपको अब कि यथार्थ में तात्विक दृष्टि भिन्न है, अपने आप सन्नाटा छा जाता है, मुझे नहीं कहना पड़ता है शांत हो जाइए, कहना पड़ता है क्या, नहीं कहना पड़ता। जब छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग में लग जाते हैं फिर आगे पीछे नहीं देखते हैं, क्या कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, मैंने तो क्या स्कूल में प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल करते थे ना तो मात्र अपनी बेंच दिखती है, कुछ भी दूसरे का नहीं दिखता। डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर बिना प्रैक्टिकल के बने ही नहीं होंगे, जब प्रैक्टिकल करता है छात्र प्रयोगशाला में तो कुछ नहीं देखता। ऐसे ही जैन योगी निज परिणामों में प्रैक्टिकल करता है कि मेरे गुरुस्थान की कौन सी धारा चल रही है, भिन्नत्व पर दृष्टि है कि नहीं, अभिन्नत्व पर दृष्टि है कि नहीं, कितने अंश में भिन्नत्व देखना है, कितने अंश में अभिन्नत्व देखना है, कितने अंश में अस्ति देखना है और कितने अंश में नास्ति देखना है, अस्ति नास्ति युगपत देखना पड़ेगी। अस्ति नास्ति एक साथ देखना पड़ेगा। कैसे,
सकलमपि, देख बालक सकलमपि विहाय अन्याम। अब देखो तुम सब स्थिर हो चुके हो, कलश क्रमांक 35 सकलमपि विहाय। सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल सुभाव, ठीक है। मैं अहम अस्मत, तुम युष्मत, वह तत्। सर अहम अस्मत, तुम युष्मत, वह तत्, ठीक। सातौ ते अहम आवम वयम, तुम युवम यूयम, तुम युवाम यूयम, ठीक है। अब आप लोग क्या सोच रहे हो, बोले कितना पढ़ते आप, बिल्कुल मत सोचो। जब तक तो केवली ना बन जाए तब तक मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मानूंगा। जब तक मैं केवली ना बन जाऊं तब तक मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता हूं, छद्मस्त मानता हूं। जो प्रक्रिया चल रही है, मेरे केवल्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। आपके सामने प्रवचन कर रहा हूं, ऐसा आपको लग रहा है सत्य है, मैं केवली बनने की प्रक्रिया में तल्लीन हूं। जितना शांति से आप सुन रहे हो मैं सुना रहा हूं, इन दोनों के बीच में जो विशुद्धि चल रही है वो मुझे केवली बनाएगी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जितने यहां बैठे हैं भव्य जीव, नियम से आप सभी जीव केवली भगवान बनोगे। सब बनोगे। आवाज ने भिन्नत को भी दिए, माँ माँ भोजन बनाना, भोजन परोसना, वो भी एक आनंद है। महाराज जी आ जाएं, उनको हार देते हो, आनंद आता कि नहीं आपको? आता है। नहीं आता होता ना, आज नादनी के श्रावक श्रावकाएं नादनी के बाहर के हजारों किलोमीटर चल करके यहाँ साधुओं की सेवा कर रहे हो, आकर के आनंद आता है, बराबर। इसके बाद स्वयं भोजन करते कि नहीं, ये विषय पकड़िए। इसके बाद स्वयं भोजन करते कि नहीं, वो अलग स्वाद है। तब फिर किसी को नहीं देखते, फिर किसी को नहीं देखते, बनाते ही रहे, खिलाते ही रहे, कितने दिन तक जियोगे? बनाते ही रहे, खिलाते ही रहे, कितने दिन तक जियोगे? जैसे बनाने वाला खिलाने वाला स्वयं भी खाता है कि नहीं, बोलो बोलो, खाता है। ऐसे ही अध्ययन करना, अध्ययन कराना, ये बनाना खिलाना है, ये कब तक चलता रहेगा? इन सबको बंद करके स्व की अनुभूति लोगे कि नहीं? इसे समझिए, कैसे लेंगे आप? सकल मपि विहाय, सबको छोड़ करके स्वम च चित्छक्ति रिक्तम
चित शक्ति रिक्तम, चिद शक्ति रिक्तम, चैतन्य की शक्ति से भिन्न, मेरा सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव इससे भिन्न, अब मैं परमात्मा को भी अपने से भिन्न भेदता हूँ। अब मैं परमात्मा को भी अपने से भिन्न भेदता हूँ। हे ज्ञानी, कोई व्यक्ति का बालक न्यायाधीश बन जाए, जिलाधीश बन जाए, तो उसके बेटे को तुम जान रहे हो। तुम्हारा बेटा उसे जाए न्यायाधीश बन गया है, जिलाधीश बन गया है, लेकिन उसे जान करके पहचान लिया बस। परंतु क्या न्यायाधीश का वेतन, जिलाधीश का वेतन आपके बेटे को मिलेगा क्या? क्या जिलाधीश का वेतन, क्या न्यायाधीश का वेतन आपके पुत्र को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही अरहंतो सिद्ध न्यायाधीश जिलाधीश कितनी ऊपरी पदवियां पाले, पर उनकी अनुभूति मुझे मिलने वाली नहीं है। अब तुम्हारे बेटे को पढ़ना चाहिए तो वो भी न्यायाधीश न्यायाधीश जिलाधीश बन सकता है। ऐसे मुझे भी वह अध्ययन करना चाहिए उस आत्मा का, मैं भी सिद्ध अरहंत बन के बैठूंगा। सबसे महत्वपूर्ण कोई विभूति है सर, देखा आज्ञा, आज्ञा। जब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया ना, कई दिन तो घर में इसको नींद नहीं आई। भाई को बोले क्यों नहीं आई? इसको देखो, तुम चेहरा देखो ना, शरीर देखो, ऊंचा हट्टा कट्टा गोरा। जब क्लास में जाए, सर नमस्कार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सब बच्चे नमस्ते नमस्ते ला रहे हैं। अब जैसे ही कार्यकाल समाप्त हुआ, बे बच्चे निकल जाते, कुछ बोलते ही नहीं है। सही है तो मैं सही बोलता हूँ। उस समय बहुत हीन भावना आती है, समझो बालक, बहुत हीन भावना आती है। ये बहुत बड़ी जीवन की तपस्या है, इससे बचने के लिए सर को दिख रहा कि छात्र विनय नहीं करेगा, पहले मार्ग बदल दो या फिर समता लाइए। एक बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार्य थे बेटा, उन्होंने अपने बेटे को कारोबार सौंप दिया, फिर भी वो प्रतिष्ठा में आए। हमारे सानिध्य में प्रतिष्ठा चल रही थी, तब पुराने प्रतिष्ठाचार्य थे, उन्हें सब रटा रटा रखा था। बेटे ने कोई भूल की, उन्हें टोक दिया, ऐसा नहीं, मैं वहीं था वहीं। बेटा क्या बोलता है, बस अब चुप रहो ना, मैं दिख कर तो रहा हूं सब। पंडित जी, मेरे हृदय को धक्का लगा इस बात का, मौन भी ले लेता, लेकिन परिचित लोग, घर के लोग उतना विनय नहीं रखते जितना अपरिचित रखता है। इसलिए मुनियों को विहार करते रहना चाहिए, अपरिचित लोग विनय ज़्यादा रखते हैं। बराबर, क्या तुम छोटी सोच लगा रहे हो? मैं आचार बालाचार उपाध्याय प्रवर्तक स्थिर गर्दर, ये सब पराश्री भाव है, ये सब पराश्री भाव है, व्यवहार से भी निश्चय से भी। मित्र, पंडित जी, संबंध संबंध है, पद पद हैं, व्यवस्था है, चित स्वरूप नहीं है। व्यवहार से मान लो, पर सत्य यह है, व्यवस्था है, स्यात् साधन है, साध्य नहीं है। साध्य की सिद्धि के लिए मित्र साधन पाइजे,
यदि आचार पद इतना महत्वपूर्ण है तो आज अभी भी सुब्रत साग जी आज की तारीख लिख लेना मित्र, अभी अभी आचार्य संभव सागर महाराज जी का पत्र मेरे हाथ में आया है, अभी अभी उन्होंने अपने आचार पद का त्याग कर दिया है। बहुत अच्छा किया, जिस दिन आचार्य विराग सार की समाधि हुई उसी दिन संभव सागर जी ने अपना आचार पद अपने शिष्य मोक्ष सागर को प्रदान कर दिया है। और एक उपास एक आहार दो उपास एक आहार की साधना प्रारंभ कर दी है, मौन चल रहा, छह रस का त्याग है, ऐसा भव्य जीव उनके पत्र में लिखा हुआ है कि आचार्य शांति सागर महाराज जैसी मैं समाधि की साधना में चला गया। यदि आचार्य पद मोक्ष देता होता तो मेरा प्रश्न है कि आचार्य शांति सागर ने क्यों त्यागा, विराग सागर आचार्य महाराज ने क्यों त्यागा, संभव सागर ने क्यों त्यागा। मित्र यदि ये पद ज्ञान सागर ने क्यों त्यागा, सुबल सागर ने क्यों त्यागा, वो भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य पद के त्यागने की बात क्यों लिखी। आर्य पदम भोश्रामी व्यवस्था के लिए है, यदि व्यवस्था नहीं बनाओगे तो जिन शासन नष्ट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। वो पद होना अनिवार्य है पर पद का भार पूर्ण होने के पूरी विसर्जन भी अति अनिवार्य है। देखो भैया आप प्रोफेसर थे, आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, कोई डीन होता है, कुलपति होता है, प्राचार्य होता है, सबका कार्यकाल समाप्त होता है, दूसरा आता है, उनसे कहा गया है, शासन कह रहा है तुम्हारा काम पूरा हो गया है, अब धर्म ध्यान करो, दूसरे को मौका दो। ऐसे जिन शासन कहता है हे आचार्य भगवान पद पे नहीं बैठोगे तो देश में हमारे धर्म की जिन दीक्षा लेने के लिए मुमुक्षुओं का क्या होगा, उनको दीक्षा दीजिए, लेकिन गण पोषण काल समाप्त होते ही संन्यास काल में चले जाना चाहिए। शिक्षा काल, दीक्षा काल, शिक्षा काल, गण पोषण काल, संन्यास काल, संन्यास काल, ओहो उस संन्यास काल की बात, उत्तमार्थ के पूर्व आत्म संस्कार काल आता है। ऐसे मुनियों के प्रोपित सब छह काल आते हैं। हमारे आगम बड़ी सुंदर व्यवस्था है, सबसे पहले दीक्षा काल होता है, दीक्षा के बाद मुनियों कुछ नहीं करना चाहिए, अपने गुरु के पास रह करके शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, आगमों का अध्ययन करें, वो शिक्षा काल है। शिक्षा काल हो जाए अपने गुरु के आदेश पर गण पोषण काल, फिर आप अपने गण का पोषण कीजिए। गण पोषण काल में चिपके न रहो, अपना ध्यान रखो। संन्यास, एक खिलाड़ी संन्यास ले रहा है, एक खिलाड़ी संन्यास ले रहा है भाई, बोले संन्यास ले लिया। हे मित्र संन्यास स्वयं के कन्यास, स्वयं के ट्रस्टी बन जाइए, सत्यन्यास, संन्यास। संन्यास के बाद आत्मसंस्कार, अब अपने आप के ही संस्कार कीजिए। अंतिम समय आएगा उत्तमार्थ, अंतिम प्रतिकरण करके ऐसी भावना हो, दिनेश पंडित जी बनारस से जी, हे प्रभु मेरे श्वास क्यों भाई मल छपाए, दिनेश्वर भैया मिट्टी लगाए कीचड़ लगाए मंदिर में जा सकते हो,
जैन मंदिरों के गेट पर जल रखा रहता है। पैर धोइए प्रासुक पानी से, फिर अंदर प्रवेश कीजिए। मल लगा करके मंदिर में नहीं जा सकते। बिगर पैर धोए मंदिर गए और कीचड़ लगा के गए तो उस मालूम दाद खाज हो जाती, कुष्ठी हो जाता आदमी। इसलिए कर्दम लगा के कभी नहीं जाना। मंदिर के बाहर पानी होना चाहिए शुद्ध प्रासुक, उसे पैर धो के जाना। तो जैसे जिनेश्वर जी जिनेश्वर के दर्शन करने के लिए चरण पवित्र करके जाना पड़ता है, जिनेश्वर के दर्शन करने के लिए चरण पवित्र करके जाना पड़ता है, जिनेश्वर बनने के लिए आचरण पवित्र करके जाना पड़ता है। इसलिए जैसे मंदिर में प्रवेश करते तो जल से पैर धोते हो, ऐसे समाधि मरण के पहले अंतिम प्रतिकरण होता है उत्तमा प्रतिकरण, जीवन के संपूर्ण दोषों का आज अंत करके अंतिम श्वास भरे उत्तमाद प्रतिकरण, उत्तमाद प्रतिकरण। सबका समय है, नियत समय है, परंतु होश रहना चाहिए। जिसने विधि पूर्वक उत्कृष्ट 12 वर्ष की समाधि धारण की है और ज्योत से कोई पक्का मिलना चाहिए, या तो कुंडली जानता हो, हस्तरेखा जानता हो, एक नियतता पर पहुंच जाओ कि मेरी उम्र यदि लगता है कि 100 वर्ष जिएंगे, तो मित्र यदि आपने 25 व्रत में दीक्षा ले ली है तो 12 साल तुम अध्ययन को दो, गुरुचरणों में रहो, अभ्यास करो, शिक्षा काल पूर्ण होने गुरु आदेश से तुम संघ का विहार करो, संघ संभालो, गण पोषण काल। अब तुम समझ में आ रहा है कि अब मैंने इतना समय निकाल दिया है, मेरे जीवन के 12 वर्ष बचे हुए हैं, फिर लोभ नहीं करना चाहिए इसका, बड़ा खतरनाक है। एक बार बिच्छू चिपक जाए वो तो तुम अरे फेंक देते हो, पर राख चिपक जाए उसे फेंकना दूर कठिन होता है। आज क्या पढ़ा था सुब्रत सागर जी, सुबह आज्ञा ईश्वर जन परजन, इनमें पान का त्याग कर दिया, खाने का त्याग कर दिया, अब क्या बचा, उपवासम कृत्वा कृत्वापि शक्त्या, अपनी शक्ति का उपवास कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए तनुत्येत सर्वयत्नेन, सर्वयत्न करके इस शरीर का त्याग कर देते हैं और फिर मित्र हंस परमहंस में लीन हो जाता है। बालको बेटा ये समाधि आज से प्रारंभ करना पड़ती है। भोजन की थाली पे गए, आपने 56 प्रकार की सामग्री दिखाई है, आवश्यकता नहीं है, अवच्छ नहीं है, भक्षी है, तब भी सब खाना चाहिए, कोई नियम नहीं, हटा दो जितनी आवश्यकता है शरीर को उतना लो, बाकी हटाओ। नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पालक की भाजी भी चाहिए, मेथी की भाजी चाहिए, ओहो हो धनिया पत्ती भी चाहिए, बकरी बनोगे बकरी, ओहो हो अब तो छोड़ दो ना ये पत्ती मत्ती, कम से कम 4 महीने को छोड़ दो माताओं पत्ती,
ओह भाजी, पालक भाजी, धनिया भाजी, मेथी भाजी, ओहो हो, ओ मीठा नीम, मीठा नीम जैसे अमृत हो, भट्टारक मीठा नीम, मीठे नीम। हाँ लाल भट्टारक नहीं दिख रहा, जिनसेन कहाँ गए मित्र? अब सुनिए, सुनो मित्र, प्रोफेसर साहब पूरा ग्लास केसर का दूध, परंतु तुम्हारी पुत्र वधू ने उसके बेटे ने कड़ी जैसा कर दिया थोड़ा सा, समझ गए? उसने उस जरा सा ऐसे लेकर के ऐसे कर दिया बस। अब तो केसर का दूध केसर जैसा रंग था उसका, चलेगा ना? सब समझ गए, माताओं समझ गए ना? नन्हे से बच्चे ने मल छोड़ दिया, बिल्कुल केसर जैसा दिखता। अब केसर के दूध में उसने आपने यूं और यूं जरा सा कर दिया, अब पियोगे ना? पियोगे ना? अरे जरा सा ही तो था ना, जैसे केसर के गिलास का दूध और जरा सा मल यूं कर दो तो फिर कोई नहीं पीना चाहता है, ऐसे मित्र तनक सा राग भी तुम्हारी समाधि को भंग कर देगा, वो समाधि नहीं कर देगा। ऐसा समझ गया ज्ञानी? चित शक्ति रिक्त, इसलिए चित शक्ति से भिन्न मोक्षो बालको, देखो पंडित युवा लोग समय सा सुनने आए हैं, चित शक्ति रूपम, चित शक्ति को छोड़ करके सर्वम सर्वम स्फुटम अवगाम स्वम चित शक्ति रिक्तम सभी के लिए शीघ्र छोड़ दीजिए। कली तुम ध्या तुम पर जाना तू कम कली बलि कम धेनु रुति वचनात्, कल बलि काम धेनु, कल तुम ध्याओ देखो जानो, कल बल ये धातु काम धेनु के समान अनेक अर्थों वाली है। कहा आत्मा चिद्रूपहा, आत्मा कैसी है? चिद्रूप। कम एमं प्रत्यक्षी भूतम, ऐसी प्रत्यक्षी भूत श्वान भवाद भी अपने स्वान भव के द्वारा आत्मनम स्वरूपम, आत्मा के स्वरूप को क्वा किससे? आत्मनी आत्मा में स्वरूप में ही किम भूतम साक्षातम प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष चारु प्रतिष्ठितम, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को ही प्रतिष्ठित कर दीजिए। विश्वस्य कलश का एक एक शब्द विश्वसा यानी जगतहा ओपरम चरंतहा, जगत के ऊपर चलिए अग्रिम भागे प्रस्फुतम, अग्रिम भागे प्रस्फुतम लोकातिशय महात्म्यम, लोक के अतिशय से महाशक्त लोकालोक परिच्छेद कर्तुम्बा, जो लोकालोक को जानने वाला लोकालोक को ज्ञापक ऐसा चर धातु ज्ञानार्थम पाचकत्वा, चर धातु ज्ञानार्थ में है परम उत्कृष्टम, ऐसी उत्कृष्ट अवस्था अनंतम। ज्ञानियों हमारी साधना अनंत की साधना है, निर्गंतों की साधना अनंत की साधना है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुखो अनंत वीर, ये अनंत की साधना है अनंतम। किम कृत्वा क्या करके? स्वम स्वम आत्मनम, आत्मा के लिए अवगाही अनुभूय अपनी आत्मा में ही अनुभव करते हुए, किम भूतं स्वम कैसा? चित शक्ति मात्रम, आहा चित शक्ति मात्रम, चित यानी आत्मा, चित यानी ज्ञान,
ज्ञान शक्ति मात्र बालक समझो, इसलिए खींचना नहीं चाहिए, अपेक्षा समझिए। अब यहाँ पर चित यानी ज्ञान मात्र, इसलिए जाणगो भावो, आत्मा कैसी है जाणगो भावो, एकमात्र ज्ञायक स्वाभी है। विश्वतम अतिव्यक्तम, बिल्कुल व्यक्त रूप में पुनः किम भूतम किम कृत्ता बिहार पीयूष बिहार। एक पढ़े लिखे का चेहरा बनाना बेटा, पढ़े लिखे की भाषा बनाना अलग विषय है। कोई प्रकृति को देख के बैठते अलग विषय नहीं, पर प्रकृति को देखना भी तुम्हारी प्रकृति नहीं है, तुम बाहर हो। कोई सोचे ना कि यहाँ का मौसम हमको अच्छा लगता है, नदी का किनारा, पर्वत की तली, बगीचे, आराम, सब बड़े सुंदर लगते हैं, ये कोई बैराग महराग नहीं तुम्हारा, तुम प्रकृति में डूबे हो, प्रकृति भूले हो। देखो बेटा, कोई घंटों घंटों बैठा पहाड़ पर, उसे तुम ये मत समझो कि ज्ञायक में जा रहा है, नहीं, वो प्रकृति के मौसम का आनंद ले रहा है। ज्ञायक का जो आनंद है वो तो कैसा है, ज्ञान शक्ति मात्र, एकमात्र ज्ञान शक्ति मुक्तम उक्तम अचेतनमिति यावत, जितनी अचेतन है सबको छोड़ करके आप अन्य शीघ्रम शीघ्र वाचिव अव्यम सर्ग जगति सहित इत्यार्थी, तो शीघ्र सर्ग जगति अंजसा अहनाय, ये अव्य है, इन सबका अर्थ है कि शीघ्र ही, मतलब ये कह रहे हैं सारे जगत के जड़ चेतन द्रव्यों को छोड़ दीजिए, एकमात्र निज चैतन्य चैतन्य को ही स्वीकारिए, बाकी सबसे दूर हो जाइए, यही परम ध्यान है, यही परम समाधि है, यही निर्वाण का द्वार है। शेष आगे विचार करेंगे। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परभाव से तीन भिन्न महावीर स्वामी की।